हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में, इस चैनल में भी। भाई ये देखो हमने क्या किया था ना, पिछले पार्ट में वॉइस ओवर नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, यहाँ देख लेते हैं। भाई ये देखो हमारा न्यू हॉलैंड जो है इस ट्रक को नहीं खींच पा रहा था यार, इतना पावर नहीं था। लेकिन भाई ये बुरहान करके जो ट्रैक्टर है मुल्ड रनर में, ये काफ़ी पावरफुल ट्रैक्टर है यार। इसके जो है इसमें फोर व्हील ड्राइव तो हमेशा लगा ही रहता है, इसका फोर व्हील ड्राइव निकलता ही नहीं, ये फोर व्हील ड्राइव ही चलता है हमेशा। भाई पावर भी देखो ना इसकी, बहुत तगड़ी पावर इस ट्रैक्टर की भाई। और ये देखो इस ट्रैक्टर ने इस ट्रक को आसानी से खींच दिया, और ये देखो जल्द ही ये अपने जो है किनारे पे ले जाएगा। साइड में करने के बाद हम, क्योंकि ये थोड़ा यहाँ पर कीचड़ है, और अभी तो चलाएंगे थोड़ा दूर और इस ट्रैक्टर से ही ट्रक को, और बाकी जहाँ से निकल के जंगल से इसके बाद में हम अपने आप से ट्रक को चला के ले जाएंगे। तो ये क्या हो रहा है यार, दिक्कत आ रही है क्या, बंद पड़ जा रहा है भाई। मुझे लगता है डीजल में कचरा फंस गया शायद, ऐसा लग रहा है। चल भाई बड़ा यार, क्या किया जा रहा है, ये क्यों खड़ा कर रखा है ट्रैक्टर को। ये हो गया चालू, चलो ठीक है। और अभी आगे देखते हैं, ये रोड भी आ गया, और भाई वापस से कीचड़ वाला रास्ता आ गया यार। यहाँ से वापस से ट्रक को निकालना मुश्किल हो जाता है, और अभी साइड से लगा के चलते हैं क्योंकि अब रास्ता साफ होने वाला है। मुझे लगता है यहीं पर ट्रैक्टर को रोक दूँ मैं, थोड़ा और चलाते हैं। यहीं पे खड़ा कर दिया ट्रक को, ये फिर से खड़ा कर दिया, क्या हो रहा है देख लेते हैं अब। यहाँ पर पानी भी है, बहुत सारा पानी है यार। चलो यहाँ से ट्रक को अकेले को लेके चलते हैं, फिर निकल जाएगा ट्रक को, क्योंकि हमने कीचड़ से साइड कर लिया, और अब हम दूसरे रास्ते से लेके चलते हैं, क्योंकि इस रास्ते में बहुत सारा पानी भरा पड़ा है। और ये वाला जो रास्ता होता है भाई, ये सूखा हुआ रास्ता है, तो यहाँ से ट्रक, ओ माई गॉड, अब तो भाई पावर जैसा आ गया इस ट्रक में, ये काफ़ी अच्छे से भाग रहा है ये देखो। क्योंकि ये भाई कीचड़ वीचड़ में नहीं चल पाते ट्रक, आपने देखा होगा, लेकिन यहाँ तो चला जाएगा। ओ ये ले, यहाँ पर कुछ भी हो सकता था, इसके पहिए टूट सकते थे, और मैंने ध्यान भी नहीं दिया कि इतना बड़ा गड्ढा है आगे, और इस गड्ढे को ये क्रॉस भी नहीं कर सकता मुझे ऐसा लगता है। तो कैसे ही करके कहीं और से ही इसको निकालना पड़ेगा, दूसरे रास्ते से यहाँ से निकल जाएगा। वो तेजी निकल गया। अब ये यहाँ फंस गया, ये नहीं चढ़ पाएगा भाई, वापस से ट्रैक्टर ही लेके आना पड़ेगा भाई, क्योंकि ट्रैक्टर के बिना तो ये जंगल में चल ही नहीं पा रहा ये ट्रक यार। क्या ट्रक है यार, ये देखो बैक करके लेके स्पीड में लेके आते हैं, शायद चढ़ जाए ना। तो ये स्पीड में लेके आया मैं इसको, और भाई साहब नहीं चढ़ पा रहा यार, वो नहीं चढ़ पाएगा मुझे लगता है, नहीं चढ़ पाएगा। ओ तेरी, ओ ओ गया गया, बच गया, चलो ठीक है भाई, मुझे लगता है फंस गया। अब कैसे निकालना पड़ेगा भाई इसको, ये तो बुरी तरह फंस गया यार, निकालना इम्पॉसिबल हो जाता है फिर ट्रक में ये कंडीशन। वापस से ट्रैक्टर ही लेके आना पड़ेगा मुझे ऐसा ही लग रहा है भाई, ट्रैक्टर का रखा है अपना, ये रहा ट्रैक्टर को ही लेके आना पड़ेगा, यही निकाल पाएगा ये ट्रैक्टर को। रास्ता भाई थोड़ा ऐसे ही डिफिकल्ट सा है, अब तक दिख रहा है क्या, और अभी हम इसको जो है टोचन करते हैं ट्रैक्टर के वापस। अगले भाई टोचन कर ले, चढ़ गया यार, ये तो खींच ले जाता भाई, कोई ट्रक हो कैसा ही ट्रक हो कुछ भी हो, ये ट्रैक्टर बहुत खतरनाक समझना आप इसको, इस फील्ड में टोचन के मामले में बहुत तगड़ा ट्रैक्टर है भाई।